वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो सेशन में मैं फिर से लेकर के आया हूं दोस्तों बहुत बड़ी गुड न्यूज़, जो कि है सीजी व्यापम छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की ओर से एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि दोस्तों भर्ती से संबंधित है। तो क्या है भर्ती में पदों की संख्या क्या होगी, योग्यता क्या होनी चाहिए, फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, फॉर्म की अंतिम तिथि क्या होगा, उसका वेतनमान कितना होगा, भर्ती की प्रक्रिया क्या क्या होनी चाहिए, उसमें पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप सभी को पता होगा दोस्तों 2024 में लगातार जो है वैकेंसी का वेट कर रहे थे कैंडिडेट, अब ये जो है व्यापम का पहला नोटिफिकेशन जारी हो चुका है भर्ती से संबंधित। तो दोस्तों चलिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की ओर से जो है 12/1/2024 12 जनवरी 2024 को एक नया प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ है, जिसमें नए भर्ती को लेकर के जो है सूचना दी गई है, जिसके लिए फॉर्म आमंत्रण करने की बात जो है कही गई है, जो कि है राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत इस विभाग से ये जो है वैकेंसी आई हुई है, जिसमें दो अलग अलग पद हैं, जिसमें पहला है प्रयोगशाला सहायक के लिए और दूसरा है दोस्तों प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती के लिए। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है आज से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और इसमें फॉर्म भरने की जो प्रारंभिक तिथि आज से है अर्थात 12/1/2024 शुक्रवार से लेकर के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 11/2/2024 रविवार रात्रि 12:59 तक आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। तो दोस्तों यहां पास लगभग एक महीने का समय इसमें दिया गया है, अगर फॉर्म भरने के बाद अगर कोई त्रुटि हो जाती है आपसे तो उस त्रुटि को सुधार करने के लिए 12/2024 से दोस्तों यहां पास 14/2024 इसमें आपको 3 दिन का समय दिया गया है फॉर्म त्रुटि को सुधार करने के लिए। तो दोस्तों मुख्य तौर पर आप सभी को पता होगा कि ये जो टेक्नीशियन पद है उनके लिए मुख्य तौर पर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो उस पर हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखिए, इन दोनों के लिए आपको जो है पहला तो इसमें प्रयोगशाला सहायक के लिए है और दूसरा जो है प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए है। इन दोनों के लिए दोस्तों अलग अलग समय पर जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो पहला जो है मॉर्निंग शिफ्ट में जो है आपका प्रयोगशाला सहायक का रहेगा, और जो आफ्टर शिफ्ट है उसमें दोस्तों प्रयोगशाला तकनीशियन का रहेगा। इसमें जो है एग्ज़ाम से संबंधित जो डेट है वो इसमें नहीं बताया गया है। इसका रीज़न ये की है कि इसमें बहुत सारे डेट जो है परिवर्तित होते हैं, फिक्स नहीं हुआ है, इस वजह से अभी जो है इसका एग्ज़ाम डेट घोषित नहीं किया गया है। और साथ ही साथ अगर इसके एग्ज़ाम फीस की बात करें तो दोस्तों पूरी तरीके से आप सभी को पता होगा कि 8/2022 के पूरी तरीके से नोटिफिकेशन में आप सभी को पता होगा कि ये जो है व्यापम द्वारा फॉर्म जो भरा जाएगा पूरी तरीके से निशुल्क होगा। ठीक है, इसमें कोई भी प्रकार का शुल्क नहीं होगा। जो बाहर के कैंडिडेट जो फॉर्म इसमें भरेंगे उनको शुल्क लगेगा, लेकिन इस परीक्षा के लिए दोस्तों बाहर के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी नहीं है, तो वो जो है अपात्र होंगे पहले से ही। ठीक है, तो चलिए चलते हैं दोस्तों विभाग के नोटिफिकेशन पर। हम जानेंगे भर्ती प्रक्रिया के बारे में, पद के बारे में, उनकी योग्यताओं के बारे में और साथ ही साथ भर्ती प्रक्रिया के संबंधित। चलिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं विभाग के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जो कि है भर्ती से संबंधित। तो बता दूं दोस्तों, इस भर्ती जो विभाग है वो संचालनालय राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर छत्तीसगढ़ से है, जो कि पुजारी पार्क पुलिस लाइन कैंपस टीकरा पारा रायपुर में स्थित है। अगर मैं बात करूं दोस्तों छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग के पत्र क्रमांक इतना पर आपको जो है पूरी तरीके से 25/9/2023 को यह भर्ती से संबंधित जो है ज्ञापन दिया जा रहा है, अब विज्ञापन को प्रस्तुत किया जा चुका था। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इसमें भर्ती प्रक्रिया के जो व्यापम है वो उस समय पूरी तरीके से अनुमति नहीं दिया था, इस वजह से ये भर्ती रुकी हुई थी। अब बात करें दोस्तों इसमें भर्ती प्रक्रिया में पदों की संख्या की बात कर ले तो इसमें जो दोनों के लिए अलग अलग पद जो है डिसाइड किया गया है, जैसे प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सभी को मिलाकर के दोस्तों 8 पद इसमें हैं जहां पास मुक्त में है, और महिला के लिए एक ही पद है जो कि अनारक्षित से। ठीक है, यहां पास जो है प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए है 8 पद, और साथ साथ बात करें प्रयोगशाला सहायक के लिए तो प्रयोगशाला सहायक के लिए यहाँ पास 16 पोस्ट जो है दिया हुआ है, जिसमें अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और क्रिमिलियर और अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधित, टोटल जो है यहाँ पास दोस्तों 8 और 16 24 पदों पर यह जो है दोस्तों पूरी तरीके से पद जो है निकला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पास हम बात करें दोस्तों इनके वेतनमान के लिए, तो यहाँ पास महत्वपूर्ण वेतनमान जो है 8 पद जो है उनके लिए 27,700 लेकर के वेतन लेवल 7 के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, और प्रयोगशाला सहायक के लिए 22,400 वेतनमान जो है दिया जाएगा लेवल 5 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम लोग बात करें दोस्तों इसकी शैक्षणिक योग्यता के लिए, तो शैक्षणिक योग्यता प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए आपको स्नातक होना चाहिए कोई भी विज्ञान से संबंधित, जैसे चाहे आपका जो है विज्ञान में आप BSc किए हों तभी आप जो है रेगुलर होंगे। ठीक है, मतलब इजिबल होंगे, चाहे BSc में अगर आपका भौतिकी सब्जेक्ट है, रसायन सब्जेक्ट है, वनस्पति विज्ञान है, या फिर प्राणी विज्ञान है, या फार्मेसिस्ट हैं, या बायोटेक्नोलॉजी वाले हैं, या सूक्ष्म विज्ञान वाले हैं, तो अगर इनमें से कोई भी एक विषय आपके पास है उन पे उपाधि धारण किए हुए हैं
तो आप जो है बिल्कुल इसके लिए इजिबल होंगे। बात करें दोस्तों इसके वांछनीय, तो विज्ञान प्रयोगशाला के लिए दोस्तों 2 वर्ष करने का अनुभव आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर बात करें प्रयोगशाला सहायक के लिए, तो दोस्तों प्रयोगशाला सहायक के लिए कोई भी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से परीक्षा में आपका विज्ञान विषय में 10+2 परीक्षा प्रणाली जो है होना चाहिए, और साथ ही साथ विज्ञान प्रयोगशाला में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें दोस्तों एज लिमिटेशन के लिए, तो आयु सीमा जो इसमें निर्धारित की गई है जो 1 जनवरी 2023 से जो है तक जो है काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास देख सकेंगे 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए और अधिकतम जो है दोस्तों 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें दोस्तों आयु सीमा में निर्धारण के लिए छूट के लिए, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग इन सभी के लिए दोस्तों पूरी तरीके से इसमें छूट दिया गया है 5 वर्ष के लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसमें प्रचलित जो भूतपूर्व सैनिक है शासन प्रचलित, तो इनके लिए दोस्तों आयु सीमा में छूट जो है लाभ देने के पश्चात जो उनको अधिकतम सीमा जो है 45 रखा गया है, ठीक है। तो आयु से संबंधित जो है पूरी तरीके से सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार इसमें लिया गया है, ठीक है। इसमें नियम शर्तें भी बताई गई है कि जैसे उक्त पद जो है चयन के लिए लिखित परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित की जाएगी, जो कि यह लिखित परीक्षा में सिर्फ ऑप्शनल ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चयन हेतु जो है दोस्तों पात्र अपात्र जो है सूची निर्णय लिया जाएगा, जो कि होगा अंतिम रूप से, ठीक है। उसी तरीका से चयनित उम्मीदवार की जो नियुक्ति है समय समस्त जो है प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ जो है अनिवार्य उपस्थित होकर के आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पढ़ाना पड़ेगा। यदि किसी की आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्त आरक्षित पद जो है उपयुक्त महिलाओं अभ्यर्थी द्वारा अभाव के कारण जो है चयन नहीं हो पाता है, उनका पद रिक्त रहता है, तो रिक्त अग्रणी के मतलब नहीं किया जाएगा, मतलब जो नीचे वाले जो पद हैं उस पर नहीं किया जाएगा, वरन उस प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार के चयन भरे जा सकते हैं। मतलब अगर कोई कैंडिडेट जो है उनका सिलेक्शन हो रहा है महिला कैटेगरी में, ठीक है, फीमेल कैटेगरी में, तो उनके पद अगर वो उपस्थित नहीं है तो उनके पद के नीचे वाले फीमेल को नहीं लिया जाएगा। अगर उन दोनों के बीच में अगर कोई पुरुष वर्ग भी आ रहा है तो उसको भी वहाँ पास लिया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जो है स्पष्ट रूप से बताया गया है, और इसमें कुछ कुछ जानकारियाँ हैं दोस्तों आप जिसको आसानी से पढ़ सकोगे। इसका जो है मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में डाल दूंगा, वहाँ से आप जिसको PDF को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकेंगे, या फिर दोस्तों साथ ही साथ जो है पूरी तरीके से आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो कि व्यापम के ऑफिशियल साइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें एक और पॉइंट दिया हुआ है कि चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग 33/2023 दिनांक 19/9/2023 के निर्देशानुसार 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखी जाएगी। तो ये दोस्तों परीक्षा अवधि जो है पूरी तरीके से हटा दिया गया था, लेकिन यहाँ पास आप देखने को मिल रहा है कि ये परीक्षा अवधि जो है फिर से देखने को मिल रहा है यहाँ पास, तो थोड़ा यहाँ पास संदेह की स्थिति है। यहाँ पास पूरी जानकारी और भी कंफर्म करके मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि परीक्षा अवधि बीच में स्टार्ट किया गया था, परीक्षा अवधि को हटा दिया गया था। अब देखिए यहाँ पास इस पॉइंट में जो 7वां नंबर का पॉइंट है उसमें फिर से परीक्षा अवधि देखने को मिल रहा है, तो इस पर हम लोग और भी डिस्कस करेंगे और भी इसमें जानकारी एकत्रित करके और भी जानकारी आपको दूंगा, ठीक है। तो ये थे दोस्तों जानकारी, और भी कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और इससे संबंधित जो है सिलेबस क्या होगा पूरी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आपको विज्ञान से संबंधित अगर आप जो है विज्ञान प्रयोगशाला परिचालक की भी तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही साथ इसका भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है प्रिपरेशन करते रहिए, निःशुल्क यहाँ पास जो है एग्ज़ाम फीस है, तो आप जरूर इसमें फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करके जो है नोटिफिकेशन लाता है जरूर ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाजत। टेक ऑल द बेस्ट। जय हिंद।